नमस्कार, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज भरमौर, इनफैक्ट फ्रेश स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज भरमौर. सो माय नेम इज ईशान, ईशान मार्वल, एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर. मुझे कुछ 2 साल हुए हैं इस कॉलेज में, भरमौर में, एंड फाइनली लाइक यू नो बाय नाउ, क्योंकि मैं मेरे लिए भी कॉलेज में पढ़ाना एक नया अनुभव है. सो ओवर द पास्ट 2 ईयर्स मुझे फाइनली सिस्टम अब समझ में आ गया था और अच्छा चल रहा था. सो इसलिए बड़ा अजीब लग रहा है कि अब मैं आप लोगों से ऐसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम आमने सामने बैठते तो शायद और बातें होती, कुछ नई चीजें निकलती. लेकिन फिलहाल सच इज द टाइम एंड वी मस्ट अडेप्ट, यू नो समय ही ऐसा है तो हमें भी ढलना होगा. आजकल किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है टॉप टू बॉटम. शायद आप भी अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सरकार भी काफी कंफ्यूज्ड है हमारी तरह. लेकिन ठीक है, यू नो एज दे से व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, सो वील हैव टू डू दिस. और इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिलहाल ठीक है, समय के साथ हमें ढलना पड़ेगा. तो कुछ समय तो शायद हमें ऐसे ही फोन कंप्यूटर के माध्यम से बात करनी पड़ेगी. एंड यस, आई डू अंडरस्टैंड ज्यादातर आप लोगों के लिए इंग्लिश, हालांकि आपने स्कूलों में पढ़ी है, लेकिन बट इट्स स्टिल अ फॉरेन लैंग्वेज टू यू. सो इसीलिए आई हैव ऑलवेज फॉलोड दिस अप्रोच कि मैं बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाने की कोशिश करता हूँ, और जितना हो सके आपके लोकल कंटेक्स्ट से बात करूंगा जो आपके गद्दी कल्चर है. तो ये सब है हमारे, बट हाँ ऑल्सो अंडरस्टैंड क्योंकि ये रूरल एरिया है, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे हमारे लिए जूम क्लासेस या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स ये सब करना बहुत ही कठिन होगा. तो इसीलिए, और क्योंकि लो डेटा एरिया, कई आपके पास फोन अपने पर्सनल नहीं है, आप किसी और के यूज कर रहे हैं, या किसी किसी जगह सिग्नल ही नहीं है. सो व्हाट आई डू दिस, जो ये जो हमारे हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आजकल देखिए सब कुछ व्हाट्सएप पे ही चल रहा है. सो आई विल शेयर नोट्स, और ऑल्सो मैं आपका हर चैप्टर पे इस तरह के यूट्यूब पे वीडियोस डालूंगा ताकि वो आप आपस में शेयर कर सके, या फिर जब भी आपको समय मिलता है वो हमेशा मेरे चैनल पे रहेगा, आप देख सकते हैं. एंड प्लस मे बी इट विल ऑल्सो बी यूजफुल टू अदर स्टूडेंट्स, यू नो. सो लेट्स सी, नए जमाने में ऑनलाइन स्टडी देखते हैं हम कैसा करते हैं. मुश्किल होगा, कठिन भी है, क्योंकि लेकिन वही है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि आत्मनिर्भर होना होगा, तो आपको स्पेशली आप लोगों को, क्योंकि पिछले साल तक तो हम किसी तरह बहला फुसला कर, डांट कर, इमोशनली ब्लैकमेल करके आपके सीनियर्स को किसी तरह हम पढ़ने की तरफ धकेलते थे. वी यूज टू पुश देम, वी यूज टू रियली पुश देम हार्ड, यू नो. बट नाउ दैट वी आर नॉट देयर स्क्रीन के माध्यम से, लेकिन नो थ्रू अ स्क्रीन आई कांट रीच आउट एंड टॉक टू यू. सो इसीलिए आपको एक तरह से अपनी लगाम खुद ही संभालनी पड़ेगी. यू मस्ट टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू नो, एंड योर स्टडीज. वी विल शेयर द सिलेबस, वी विल शेयर द कंटेंट. हमारी तरफ से हम जितना कर सकते हैं इन दीज न्यू टाइम्स हम करेंगे, बट इन द एंड आप पर ही श्रेय, यानी ओनस इज ऑन यू, स्पेशली फॉर अ लैंग्वेज, यू नो लैंग्वेज. फर्स्टली इंग्लिश, मेरे साथ आपके 2 पेपर्स होंगे एंड इट इज अ कंपल्सरी पेपर. मैं जानता हूं कि आप में से अधिकतर, द मेजोरिटी ऑफ यू वुड नॉट वॉन्ट टू बी स्टडिंग दिस पेपर. आपके लिए शायद ये गले में फंदे टाइप का, जैसे आप देखें आपके कई सीनियर्स हैं जो कई सालों से इन पेपरों में फंसे हैं. बट एटलीस्ट जब से मैं हूं, मैंने ये भी देखा है कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. एटलीस्ट अगर आपको बस पास होना है तो आप आसानी से हो जाओगे, बस आपको क्या है अपनी तरफ से कुछ मेहनत करनी पड़ेगी. पहले इस कॉलेज का रिजल्ट काफी डिसमल था, कुछ शायद आई थिंक एटलीस्ट इंग्लिश में कुछ शायद 10 या 20% बच्चे पास होते थे. बट लास्ट ईयर आई थिंक, नो सॉरी, लास्ट टू लास्ट ईयर जो हमारा मेरा पहला बैच था, तो हमने कुछ अलग तरीके से काफी कुछ कोशिश की, एंड सम हाउ एटलीस्ट आई थिंक हम कुछ द पास परसेंटेज वॉज अराउंड 50 to 60%, और अभी भी इट्स क्वाइट लो, बट वी कैन स्टिल एम हायर. पिछले बैच से आपके जो इमीडिएट जो सीनियर्स है जो अब सेकेंड ईयर में, उनसे काफी उम्मीद थी, बट अब देखिए एग्जाम ही नहीं हो रहे तो क्या पता. ठीक है, बट द पॉइंट इज दैट यू नो वी कैन यूज दिस टाइम टू लर्न.
और ऑल दो ये जो आपका कंपल्सरी पेपर है इट्स अ लिटरेचर पेपर. व्हाट इज लिटरेचर? साहित्य, कविताएं, कहानियां, उसके बारे में तो हम और बात करेंगे एक और सेशन में. बट तो हाँ, इट्स अ लिटरेचर कोर्स, यू नो, इट्स नॉट अ लैंग्वेज कोर्स. तो बेसिकली लिटरेचर साहित्य के लिए आप ऑलरेडी, वी आर वर्किंग ऑन द अजम्पशन कि आप लोगों को लैंग्वेज आती है, बट सैडली दैट इज नॉट ट्रू. सो इसीलिए ये जो कंपल्सरी पेपर से आप लोगों को काफी दिक्कतें होती है. बट माई पॉइंट इज इफ वी कैन वर्क टूगेदर. लैंग्वेज के लिए मैं एक अलग से एक मॉड्यूल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ग्रामर के लिए, टू हेल्प यू लर्न द लैंग्वेज. बट इन द एंड एज यू नो, स्पेशली विद द लैंग्वेज इज अबाउट प्रैक्टिस. यू नो, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे. बट एक ऑन द अदर हैंड एक बात बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है. ठीक है, आपसे जो पहले पीढ़ियां थी उनके पास, जो ऐसे गांव रूरल एरियाज में रहे थे उनके पास लाइब्रेरीज नहीं थी. आप लोग के पास तो अब देखिए फोन है. अगर आप बस एक बार गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो कई एप्स है जो आपको ग्रामर से लेकर इवन स्पीकिंग प्रैक्टिस, यू नो, यू कैन स्पीक टू योर फोन. क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश में क्या है, एक झिझक आती है कि हमको एक शर्म आती है, फॉरेन लैंग्वेज हम नहीं बोलना चाहते और एक दूसरे को भी शायद बोलने से रोकते हैं. तो ठीक है, फोन पकड़िए, फोन के साथ प्रैक्टिस कीजिए. लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स विल डिस्कस दैट मोर इन अ सेपरेट वीडियो. आज मैं बस आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता था क्योंकि आप लोग भी, आपका एडमिशन तो हो गया है फर्स्ट ईयर में, लेकिन आप लोग बस बैठे हुए, आपको भी नहीं पता क्या करना है. सो आई थॉट थोड़ा मैं अपनी शक्ल दिखा दूं और थोड़ा आगे का प्लान बताऊं आपको. तो सिलेबस, आपके दो पेपर्स हैं मेरे साथ, टू कंपल्सरी पेपर्स, दैट इज इंग्लिश सीई 101 एंड एईसीसी 104, दैट इज कोर इंग्लिश. इसमें क्या है, आपके कविताएं, एसेज और शॉर्ट स्टोरीज हैं, दो किताबें हैं जो कि आपको खरीदनी ही पड़ेंगी क्योंकि उसके अलावा नहीं चलेगा. पहले फोटोकॉपी से काम चल रहा था जो भी है, लेकिन इस बार आपको ये दो किताबें चाहिए ही चाहिए. लाइफ अनफोल्डेड, एडिटेड बाय वीके खन्ना एंड मीनाक्षी पॉल, एंड द ब्लॉसमिंग माइंड, सेम एडिटर्स है, वीके खन्ना, मीनाक्षी पॉल. ब्लॉसमिंग माइंड में आपकी पोएट्री है, कविताएं हैं, एंड इन लाइफ अनफोल्डेड यू विल फाइंड योर शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज. ब्लॉसमिंग माइंड में आप देख लीजिए क्या है, आपकी कुछ शायद पांच कविताएं हैं जो कि आपको यहां मिलेंगी. इट्स ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड बाय विलियम शेक्सपियर, द गुड मॉरो बाय जॉन डन, ओजिमेंडियस बाय पर्सी बिश शेली, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड या हाँ, खैर, तो आपका जो इलेबरेट सिलेबस तो मैं नीचे आपको अलग से भी शेयर करूंगा. दूसरी किताब ये है, इसमें आपकी क्या है, दो एसेज हैं, एक टैगोर से है, वैल्यू एट द हिमालयाज, और दूसरा गांधी जी का है, द वैल्यू ऑफ साइलेंस. शॉर्ट स्टोरीज है, पैरट इन द केज, डिनर फॉर द बॉस एंड द रेडनिंग ट्री. तो जो आपका कोर इंग्लिश 101, दैट इज द पेपर कोड सीई 101, उसमें आपकी ये दो किताबें होंगी. इन पे हम और आगे धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन करेंगे. पहले जब नॉर्मल क्लासे होती थी तब तो आई यूज टू गो लाइन बाय लाइन, यू नो, एवरी लाइन, एंड देन वी यूज टू एक्सप्लेन. बट शायद अब ऐसा करना कठिन होगा, बट वील फिगर इट आउट. दूसरा पेपर है आपका एईसीसी 104, एबिलिटी एनहांसमेंट. तो इसमें आपके क्या है, बेसिकली राइटिंग स्किल्स के बारे में देखा जाएगा. तो इसमें जैसे जो चीजें आपने ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश में कर रखी है, लेटर राइटिंग, नोट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इस तरह की चीजें होंगी. तो मे बी अंटिल आप लोगों के पास ये किताबें हों, जो कि जो कॉलेज के साइड में एक देयर इज अ बुक शॉप, मिस्टर बग्गा, बग्गा जी की बुक शॉप है, उसमें मैंने उनको कहा है ऑर्डर करने के लिए. तो ये किताबें आप वहां से ले लीजिए. तब तक हम क्या है, एईसीसी 104 से स्टार्ट करेंगे. सो राइटिंग एक्सरसाइजेस, इट विल हेल्प यू ऑल्सो. असाइनमेंट्स आप मेल कर सकते हैं मुझे, इन सब पे बाद में बात करेंगे. टिल देन मेरी एडवाइस ये रहेगी, आप क्या है, अपने फोन पे कुछ एप्स देखिए, इंग्लिश ग्रामर थोड़ा रिवाइज कीजिए. वो दूसरा पार्ट क्या है, वोकैबुलरी. एक अगर आपको ग्रामर आ गए, नियम आ गए, दूसरा क्या, वोकैबुलरी, शब्दकोश, आपको हाउ मेनी वर्ड्स यू नो, एंड हाउ विल दैट हैपन, यू रीड.
जितना कोशिश कीजिए इंग्लिश अखबार या कुछ भी स्टोरी बुक्स वॉट एवर इंग्लिश मूवीज सब टाइटल्स ऑन करके आप देखिए, ताकि आपका क्या है, यू कीप लर्निंग मोर एंड मोर वर्ड्स. एंड वॉट यू डू विद दोज वर्ड्स, ट्राई टू यूज देम इन सेंटेंसेज. अगर आपने ये जो नए आप शब्द सीखते हैं, अगर आप उनकी एक नोट बनाते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, यू कुड यू नो नोट देम डाउन और फिर उनके वाक्य बनाइए, मेक सेंटेंसेज आउट ऑफ देम. उससे क्या है, ये शब्द आपके अंदर बैठ जाते हैं. एंड दैट इज हाउ यू लर्न लैंग्वेज. यू नो क्या है, चार ही चीजें, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, है ना, सुनना बोलना लिखना पढ़ना. चार चीजें, चार स्किल्स है विद लैंग्वेज. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. तो इतना मुश्किल नहीं है. लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करेंगे हम शुरुआत में, राइटिंग स्किल्स पे, एंड देन वील ग्रेजुअली मूव ऑन टू लिटरेचर, विच इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. क्या है, कविताएं और कहानियां ही है ना एंड में. तो ठीक है, इससे पास आप हो जाएंगे. एंड में क्या है, हम कॉमन क्वेश्चंस वगैरह सब डिस्कस करेंगे. पास होने की चिंता मत कीजिए. फोकस ऑन लर्निंग द लैंग्वेज, जो कि आपके क्या है, जीवन भर आपको एक स्किल काम आएगा. इन सब पे हम और बात करेंगे, लिटरेचर लैंग्वेज पे हम अगले सेशन में. फिलहाल के लिए आई थिंक दैट इज इट. उम्मीद करता हूं आपको, हालांकि कोरोना के वजह से यू नो ऑल ऑफ दिस कंफ्यूजन एंड केओस, बट आई होप योर एंथुजियाज्म इज नॉट अफेक्टेड. आप अभी भी एक्साइटेड हो कॉलेज शुरू करने के लिए. एंड विल टॉक अगेन सून. एंड मे बी उम्मीद करते हैं कि जल्द शायद हम क्या है, आमने सामने बैठ कर के भी बात कर पाए. ऑल राइट, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू.